राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? तो फेस मेरा थकान की वजह से हो रहा है, इस तरह से सोए भी नहीं है दिन में। तो आप सभी को है ना, जो मैंने सूट किया हुआ है एक दो दिन में, वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे से मतलब आज ही जो मैं अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। अब त्योहारों में ना ऐसे हो रहा है, कई दिन से सफाई में पागल हो रखे थे, अब होली के बाद में मतलब एक दो दिन तो मैंने नहीं की क्योंकि बस कोई प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से दिमाग वहीं अटका रहा। फिर जब हो गया बच्ची का, नंद की बेटी का ऑपरेशन होना था, जब वो बच्ची का ऑपरेशन हो गया और थोड़ा सुकून मिला कि भाई ठीक है अब, तो उसके बाद फिर मैंने 3-4 दिन पहले, नहीं 8-10 दिन लगे रहते थे सफाई में, इस बार ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम हमें मिला नहीं। और सीला ना रखी है, पता नहीं कैसे, हिमांशी देखना सीला ना रखी है। धोने के बाद छत, जब ये मतलब कितना भी धो लो फिर भी यही हालत हो जाती है। तो आप सबको आज दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पे पहले एक मिर्च हो रही थी, तो इस बार कितनी लगी हुई है, इस बार लगी हुई है ये देखिए, एक होरी, एक होरी। 4 मिर्च तो मुझे भी पता है, और हिमांशी कह रही है 6 लगी हुई है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ लगी हुई है। और एक येरी, एक मिर्च ये लगी हुई। हिमांशी छठी कहाँ बता रही थी, एक येरी, पांचवी येरी, पांचवी येरी। और कोई बात नहीं, छठी भी यही कहीं सुपरी होगी येरी ना, ये तो वो दिखा दी मैंने, ये छोटा सा निकल, अच्छा छोटी सी निकल रही है कहाँ, ये यहाँ पे निकल रही है कहाँ पे, मुझे नहीं नजर आ रही, नहीं है बेटा, नहीं है, वैसे ही लग रहा है। तो चैटी हो रखी है इस पे बहुत ज्यादा। तो आ गई ये छठी भी, हाँ देखो ये रही छठी मिर्च, ये रही हिमांशी कह रही थी, अरे एक सातवीं और हो रही है, ये थोड़ी बड़ी सी है, कहाँ पे सबसे नीचे, हाँ ये तो मैंने दिखा दी, 6 ही है भाई। तो तोड़ लेते हैं ये मिर्च क्योंकि बड़ी हो रखी है, या देखते हैं 1-2 दिन और रहने देते हैं। और ये हो रखे हैं टमाटर, देख लीजिए मम्मी टमाटर सपोर्ट के लिए मैंने ये, क्योंकि ये बिल्कुल झुके पड़े थे वजन की वजह से, और टमाटर तो इतने ज्यादा नहीं है जितना वजन है इनमें। ये देखिए टमाटर छोटे छोटे काफी आ रखे हैं, ये देखिए। तो बस दोस्तों दिखाएंगे आप सभी को, मेरी तो इसमें मुझे तो चक्कर सही में चक्कर आने लगे थे, चींटी चढ़ गई है क्योंकि इसमें बहुत सारी चींटियां हो रखी है, चींटी का बताना, मैंने ना सब कुछ देख लिया, जो सब ट्राई कर लिया जो बताया, पर हाँ आप सब ने जो बताया उससे मिर्च तो आने लगी, मैं इसे पहाड़ के फेंकने वाली थी लेकिन बहन ने मना किया था, इसलिए अभी तो इतनी मिर्च आ रही है, पहले एक आई थी अब बहुत सारी आ रही है, छोटी छोटी तो बहुत सारी आ रही है। मुझे बैंगन के लग रहे हैं, नीचे से दिखा हिमांशी, अभी वीडियो शुरू नहीं हुई थी मैंने बात भी कर ली। तो ये पौधे बताना आप कि ये बैंगन के हैं क्या, मुझे लग रहा है मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब फोटो में ही देखा है वैसे कभी नहीं देखा, तो आप सब बताना है ये बैंगन के पौधे हैं क्या, मैंने बोए नहीं है, अपने आप मुझे ऐसा लग रहा है, तो उपाड़ने का मन भी नहीं कर रहा है, पौधे ना हो रखा है मम्मा सोच, बाकी सारे फूल ही हो रहे हैं, ये हमारे फूल हैं, बाकी तो फूल तो बने हमारे अच्छे पौधे हो रखे, कंटेला पंटेल सभी हो रखे हैं लेकिन अभी लगा कुछ नहीं है, टमाटर और मिर्ची लगे, मम्मा ने एक पौधे में एक उसमें बहुत सारे पौधे कर रखे हैं, क्योंकि नीम तो सूख गया है पता धड़क, ये नीम तो सूख चुका है, ये मम्मा ने कंटेले बो रखे हैं और ये पौधे ना हो भाई, बहुत सारे पौधे हैं। नीचे आई हूँ सफाई करने, तो मैंने देखा कि अब इस पे ना ऊपर धूल लगी हुई है, ये देखिए ये पैक किया हुआ है मैंने, लाइट जला लेती हूँ फोन की, ये देखिए ये हमारे सबसे पहले बेल लगी थी कि नीचे से है ना कोई ऊपर बात कर सकता था कि भाई कोई काम है तो बात करके ही नीचे से चला जाए, 4 मंजिल ना चढ़े, तो ये बेल लगी थी सबसे पहले, फिर बाद में अभी तो वो गेट तो खुल जाता है बेल का पता चल जाता है, अब वो बात नहीं कर सकते पहले की तरह,
तो ये सबसे पहली बैल है हमारी और मैंने बड़े संभाल के रखी हुई है ये बैल का। इसका साफ करूंगी मैं इसे, हर 2-3 साल से ये यूं ही रखी हुई है। 2-3 साल पहले हमारी बैल तीसरी चेंज हुई है, मतलब 3 चेंज हो चुकी है, दूसरी है मुझे याद नहीं है। तो सबसे पहले ये थी, फोन पे बात करते थे कि कोई बैल बजाता था पूछते थे हाँ भाई कौन है। तो बस सफाई कर लेते हैं, फैला दिया है मैंने। और कई दिन से क्यों सफाई नहीं हो रही थी कि बिल्कुल भी सफाई करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहन जी का ऑपरेशन हुआ है तो बस वो तो त्योहार तो सब करनी है, त्योहार तो कर रहे थे लेकिन बिल्कुल भी हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे। उसका दिमाग का ऑपरेशन हुआ है, मतलब सर का हुआ है, तो उसमें मैं बताया भी नहीं और व्लॉग भी बनाने का तो काम ही बस घर का खाना पीना ही हो रहा था। सफाई में ही मैं आज लगी हूँ, कुछ पहले जो कर लिया था वो ठीक है, बाकी तो अब तो बस यही ये मैंने छेड़े ही नहीं है काफ़ी टाइम से। तो ये पूरे क्लीन करने हैं डब्बों में जो रख देते हैं, तो ये सब कुछ देख लेते हैं, मिलते हैं फिर आप सभी से। हाँ तो ये बताया, ये नहीं बताया कि ये बैल है ना 2-3 साल पहले तो ये हटी है, मतलब काफ़ी टाइम चली थी ये, 10-11 साल हो जाएंगी दिसंबर में, तब लगी थी। मैं आज ये वहाँ पे लाइट लग गई है, दिखाऊँ मैं आपको, वहाँ तक लाइट लग गई, यहाँ तक भी लग जाएंगी शाम तक। फ्रूट वाले भैया खड़े हैं। रमन जी कैसे हैं आप सभी? तो ये मैंने ना थोड़े से उपले सुखाए थे कल जब धुलाई करके गई थी, जब मतलब ऊपर छत की धुलाई की थी ना तो मैं उपले सुखा के गई थी, ये गीले हो रखे थे और छत गंदी हो गई, इनसे सब जम गए ये। और ऊपर का नज़ारा है ऐसा कुछ इस तरह का। आप सभी को बताऊँ नीम तो सूख गया है और पौधों का तो मज़े आ रहे हैं, पौधों के तो मज़े आ रहे हैं। और आज मैं ऊपर आई थी कि मौसम देख के आऊँ, मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी थी बाजरे की, पटाखे छूट रहे हैं। तो आज है धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, और ये दिवाली वाले दिन जाएगा वीडियो, तो आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ, आप सभी को दिवाली ढेर अगली साल और ढेरों खुशियाँ लाए और अच्छे से दिवाली मनाओ। और बस मैं आप सभी को ना पौधे दिखा देती हूँ, ये देखिए ये पौधे मैंने आपसे पूछा था लेकिन बताया नहीं आपने। अभी लाइट भी जली हुई है और अब नीचे जाके बात करेंगे क्योंकि वो टमाटर मेरे टमाटर गिर गए, देखो दिखाती हूँ। बारिश की वजह से ना टमाटर लगे हुए हैं, मैं सपोर्ट के लिए ये लगा के गई थी, ठीक है, और ये वजन की वजह से बारिश आंधी तेज चली थी ना इसलिए गिर गए, पानी भी भरा हुआ है ना इसलिए अच्छे से। और मिर्ची तोड़ लेते हैं, मिर्ची मन कर रहा है कि मिर्ची तोड़ लेती हूँ, तो मिर्ची ये देखिए। और मिर्ची में ना बहुत सारे वो रखे थे, चीटियाँ हो रखी थी और एक और बड़ी सी मिर्ची थी, कहाँ पे है ये वाली थी, 3-4 मिर्ची तोड़ लेते हैं। अभी मैं साग में तड़का लगाऊंगी, साग मैंने सुबह बनाया था, गांव से बहन ने भिजवाया है, तो साग तो बहुत ही बेहतरीन बना है क्योंकि गांव का साग है। अभी इसमें बाकी छोटी है मिर्ची, 4 मिर्ची मतलब बड़ी सी है, बाकी सारी छोटी छोटी है, तो कोई बात नहीं 4 मिर्ची लेके चलते हैं, कुछ तो है ना इसलिए कुछ ही सही जो है वो ही ठीक। तो ये मिर्ची लेके चलते हैं और बाकी छोटी छोटी लगी हुई हैं, तो अभी और भी देख लेती हूँ मैं कैमरा बंद करके। टमाटर पता नहीं कब हो गए, टमाटर मुझे लग रहा है टमाटर बिल्कुल लटक गए थे नीचे, देखते हैं। मैं कल भी मैं बोल रही थी ना कि खुशबू आ रही है, सच में टमाटर में से खुशबू आ रही है टमाटर के पौधे में से, तो मिर्च तो मुझे और मिली नहीं जैसे कि आप सब देखोगे छोटी छोटी हैं, ये देखिए और भी लगी हुई हैं तो छोटी छोटी हैं। बारिश आ गई रे बाबा, ये भी तोड़ लेते हैं। और बाकी बस मिर्च तो यही लगी हुई है और छोटी हैं, 2-4 ही लगी हुई है और
तो हमारी हो गई है 5 मिर्चें, और मिर्चे पौधाना बिल्कुल खराब सा हो गया क्योंकि इसमें चींटियां थी, और अब देखते हैं और लगेंगी या नहीं पता नहीं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, अरे बाबा नीचे चलते हैं, बहुत ठंडी हवा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है एकदम ऐसे, जैसे क्योंकि बारिश भी है ना आज पूरे दिन, हल्की हल्की बारिश पड़ती रही है, और मुझे पौधे देखने का है ना बारिश में और पौधे देखने का बहुत इच्छा होती है, तो चलते हैं नीचे। आज सफाई भी की है, कई दिन से सफाई में लगी हुई थी, 3-4 दिन तो हुई नहीं थी बिल्कुल भी सफाई, और मेरी हालत तो आप, और ये निशान है ना मेरे पहले से कम हो गए, बताऊंगी आप सभी को, अगर ठीक हो जाएंगे तो आप सबको बताऊंगी कि कैसे हुए, घर पे ही हुए, बाहर से कुछ मिलाना पड़ा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सब कह रहे थे डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन मैंने डॉक्टर को क्या क्या दिखाएं, फेस का तो मैंने कभी, स्किन की तो कभी, खैर टेंशन बाजी इस तरह के लिए नहीं, ये कोई कौन सा नुकसान दे रहे थे, काले तो पड़ रहे थे लेकिन अब नहीं है, आप सबको बताऊँगी।